नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बीती शाम गोवा से एक ऐसी बुरी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर साहब ने अपनी अंतिम सांस बीती शाम को ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। मनोहर पारिकर को सियासत का सादगी पुरुष भी कहा जाता है। जिस तरह उन्होंने गोवा के लिए काम किया, जिस तरह मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए बाकी चीज़ों के लिए काम किया, ये सारी चीज़ें तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मनोहर पारिकर अब लंबे समय तक लोगों की यादों में जिंदा रहे। एक साल से कैंसर से पीड़ित मनोहर पारिकर तब भी अपना काम करते थे हॉस्पिटल में रहते हुए, और उनको सिर्फ और सिर्फ गोवा की फिक्र थी। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कैबिनेट में भी शामिल किया था। रक्षा मंत्री भी रह चुके थे मनोहर पारिकर साहब, और उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने पहली बार आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक का भी हम आपको बता चुके हैं कि 15 महीनों से लगातार प्रैक्टिस जारी थी, और उरी हमले ने आग में घी का काम किया, और उसके बाद मनोहर पारिकर को काफ़ी ज़्यादा तारीफों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं अब मनोहर पारिकर जो हैं वो लोगों की यादों में ज़िंदा रहेंगे। अंतिम विदाई उनको फ़िलहाल गोवा में दी जा रही है, और पणजी पहुँचे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक मनोहर पारिकर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन उसके बावजूद मनोहर पारिकर ने कहा कि मैं गोवा का और ज़्यादा विकास करना चाहता हूँ। जो हम आधुनिक गोवा देखते हैं, जो हम एक नया गोवा देखते हैं, उस पर चार चांद लगाने का काम मनोहर पारिकर साहब ने किया। कहीं ना कहीं एक बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। पिछले एक साल में बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने दुनिया को अलविदा कहा, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब और दूसरे मनोहर पारिकर साहब। मनोहर पारिकर साहब के जाने के बाद अब ये भी सियासत भी गरमाने लगी है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। हालांकि ये पार्टी का फैसला होगा कि कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री होगा, लेकिन मनोहर पारिकर को फिलहाल अंतिम विदाई दी जा रही है। परिजन वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक शोक का माहौल वहाँ पर है। लोगों का जनसैलाब, एक हुजूम उमड़ पड़ा है अपने इस प्यारे से मुख्यमंत्री के अंतिम दर्शन के लिए। लोग वहाँ पर पहुँच कर हर किसी की आँखों में आंसू हैं। ऐसा लग रहा है कि एक सिर पर जो छत होती है, छत का साया होना बड़ा ज़रूरी है, वो साया शायद लोगों के ऊपर से हट चुका है गोवा के। मनोहर पारिकर एक ऐसे शख्स भी थे जो बेहतर तरीके के आधुनिक विकास का एक नॉलेज भी रखते थे, क्योंकि एक ITN थे और पहले मुख्यमंत्री थे जो IIT पास आउट थे। तो कहीं ना कहीं मनोहर पारिकर का योगदान भारत के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा अमर रहेगा। लेकिन अब शाम 5 बजे करीब उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को वहाँ पर पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि मनोहर पारिकर जिस तरह के जिंदा दिल इंसान थे, सुबह मैं उनके डॉक्टर का इंटरव्यू पढ़ रहा था, डॉक्टर जगन्नाथ, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पिछले एक साल से जब वो आए थे सबसे पहले उनके पास, तो जब डॉक्टर साहब को ये कहा गया कि एक बहुत VVIP पर्सन वहाँ पर आ रहे हैं, तो वो उन्होंने सारी तैयारियाँ पूरी कर ली, थोड़े नर्वस भी थे, लेकिन मनोहर पारिकर साहब को जब उन्होंने देखा तो एकदम हंसते खिलखिलाते हुए आए, और उनका इलाज शुरू हुआ। इलाज शुरू होने के बावजूद भी वो हंसते रहते थे। जब अस्पताल में वो रहते थे तो अस्पताल में सारी चीज़ें जो हैं वो गोवा के लिए काम करते थे, अस्पताल से अपने राज्य के प्रति उनका जो स्नेह था वो देखने को मिलता था। और आप सभी को याद होगा वो ऐतिहासिक लम्हा जब मनोहर पारिकर ने आकर गोवा का बजट पेश किया था, नाक में उनकी नली लगी हुई थी, बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मनोहर पारिकर को वहाँ पर गोवा का बजट पेश करते हुए देखा गया। तो ये सारी चीज़ें एक नेता को एक सिद्ध पुरुष तो बनाती है, एक सादगी पुरुष, इन्हें सियासत का सादगी पुरुष कहना मनोहर पारिकर साहब को गलत नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद अब से करीब 6 महीने पहले उनके साथ उनसे मिलने मुलाकात करने गए थे, उनकी तबीयत का हालचाल लेने गए थे, तो मोदी साहब ने कहा कि आप आराम कर लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं गोवा की सेवा करना चाहता हूँ, बस हंसते हंसते इस दुनिया से चला जाना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं इस सादगी पुरुष ने दुनिया को अलविदा कहा, और मुख्यमंत्री पद पर रहते मनोहर पारिकर अब हमारे बीच में नहीं।
दुनिया को अलविदा तो उन्होंने कहा 63 साल की उम्र में। उनकी जो पत्नी थी मेधा पारेकर, वो उनका भी निधन 2001 में हो गया था, वो भी कैंसर से पीड़ित थी। और ये मनोहर पारेकर जो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, पैनक्रियाटिक कैंसर यहाँ पर मनोहर पारेकर को जो है वो था। बड़ा सवाल ये उठता है कि अब क्या गोवा में क्या होगा, क्या कांग्रेस एक बार फिर भांजी मारेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना एक बड़ा उम्मीदवार खड़ा करेगी। एक अच्छे नेता को हमने खोया है, भारतीय जनता पार्टी ने खोया है, और हर कोई उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।